हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, आज भी लेके आई हूँ संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, डिजीज यानी कि रोग से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार हर एक एग्जाम में होता है, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। आपकी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये डिजीज आपका संक्रामक रोग एक आपके सिलेबस में पार्ट है। इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपका सभी वीडियोज है, एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल वीडियो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, उन रोगों को क्या कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी कारक द्वारा फैलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। नेक्स्ट है, उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिसमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कांटेक्ट संपर्क से फैलता है, यानी कि एक जीव को में अगर आप में कोई रोग है तो दूसरे जीव के कांटेक्ट में आए, यानी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो उसको भी हो गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी संपर्क से, इसको कहते हैं कांटेजियस। क्या कहते हैं? कांटेजियस। जैसे कि दोस्तों, संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक कांटेजियस एक इन्फेक्टियस। कॉन्टेजियस में क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलता है, और इन्फेक्टियस में क्या होता है कि हवा, पानी, भोजन और कीटों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, खसरा यानी मीजल्स नामक बीमारी किससे फैलता है? तो यह किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। दोस्तों, कौन सा रोग वायरस से फैलता है, कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है और किसका क्या बैक्टीरिया का नाम है, वायरस का नाम है, तो इसका डिटेल में जानने के लिए आप संक्रामक रोग वाले वीडियोस को मेरे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्स गलसुआ रोग किससे फैलता है? तो यह गलसुआ भी आपका फैलता है वायरस से। जैसे कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग एंड वायरस से फैलने वाले रोग, प्रोटोजोआ से एंड फंगल डिजीज, इन सभी को ट्रिक के साथ मैंने बताया है। और एक बार आप वीडियो को देख लेंगे तो फिर दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मम्स यानी गलसुआ रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो मम्स यानी गलसुआ रोग किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। और किससे फैलता है? वायरस के द्वारा गलसुआ रोग। और गलसुआ रोग में होता क्या है दोस्तों? यह पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, अग्नाशय या विसरलार ग्रंथि में सूजन, इसे बुखार, उल्टी, सिर दर्द आदि संभावनाएं हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह भी प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को और त्वचा और शरीर को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाल लाल दाने उभर आते हैं, और ये वेरिबुला वायरस से फैलता है। किससे? वेरिबुला वायरस से। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह भी प्रभावित करता है आपके श्वसन तंत्र को और समस्त शरीर को। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक होता है, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो स्मॉल पॉक्स होता है वेरिबुला वायरस से होता है यानी चेचक, और जो चिकन पॉक्स होता है छोटी माता, वो वेरिसेला वायरस से होता है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया यानी कंठ रोहिणी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। और जो डिप्थीरिया है वह किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा।
और यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से फैलता है। इसको रोहिणी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गला होता है, जो श्वास नली होता है, उसमें झिल्ली बन जाती है जिससे श्वास लेने में पीड़ा होती है और तीव्र ज्वर आता है। ये आपका लक्षण है इसका। नेक्स्ट है ऊपिंग कॉग, यानी कुकुर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। और किससे फैलता है? एडिनो वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो जो मेनिनजाइटिस है दोस्तों, वो किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो मेनिनजाइटिस रोग जो है वह मस्तिष्क के ऊपरी जो झिल्ली होता है उसको प्रभावित करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र के में मस्तिष्क जो होता है किस झिल्ली द्वारा ढका रहता है? मेनिनजाइटिस झिल्ली द्वारा, मेनिनजाइटिस झिल्ली द्वारा, जिसके तीन परत होती है, ड्यूरामीटर, आर्कनाइट, पैरामीटर, पायामीटर। तो जो ऊपरी झिल्ली होती है मेनिनजाइटिस, उसी में आपका हो जाता है, उस झिल्ली में विकार उत्पन्न हो जाता है जिसमें तीव्र ज्वर, सिर दर्द, उल्टी, नाक बहना, गर्दन अकड़ना, ये सब लक्षण होते हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि तपेदिक, जिसे टीबी भी बोला जाता है, किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। और माइक्रो बैक्टीरियम बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है रूबेला, यानी खसरा, जिसको जर्मन मिजल्स भी कहते हैं, वह कौन से वायरस से फैलता है? यह टैगो वायरस से फैलता है, यानी कि वायरस द्वारा जनित रोग है। क्या? मिजल्स जो है खसरा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कौन वायरस से फैलता है और कौन बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है गलसुआ, यानी मम्स, किस वायरस से फैलता है? तो यह फैलता है पैरामिक्सो वायरस से। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, यानी श्लेष्मा ज्वर, किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा यानी श्लेष्मा ज्वर वो फैलता है आरएनए वायरस से। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक, किससे फैलता है? तो यह फैलता है दोस्तों वेरी ओला वायरस से। यहाँ पे मिक्सो वायरस दे दिया है जबकि ये गलत है, वेरी ओला वायरस होगा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक वेरी ओला वायरस से। और नेक्स्ट है चिकन पॉक्स तथा छोटी माता किससे फैलता है? तो यह फैलता है वेरिसेला वायरस से। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि स्मॉल पॉक्स वेरिओला वायरस से और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऊपिंग कॉग, यानी कुकुर खांसी किससे फैलता है? तो यह एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, नामक बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेनिनजाइटिस जो दिमागी बुखार होता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, यानी तपेदिक, किससे फैलता है? तो यह फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, ये आपका लक्षण होता है इसका। नेक्स्ट है एड्स किस वायरस से फैलता है? तो एचआईवी वायरस से। नेक्स्ट है एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। नेक्स्ट है येलो फीवर यानी पीला ज्वर किससे फैलता है? ये फैलता है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? तो डेंगू दोस्तों वायरस से फैलता है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो जो डेंगू होता है वह किससे फैलता है? वायरस से। और कौन से वायरस से? यह अरबो वायरस से फैलता है और एडीज एडिचाई मच्छर के काटने से। इसको बैक बोन फीवर भी कहते हैं यानी हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोला जाता है। इसमें जो प्लेटलेट्स होता है वह खत्म हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू में। और जो मलेरिया होता है उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। और जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है और वो उसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो यह आपका है एडीज एजिप्टाई। नेक्स्ट है काला ज्वर किससे फैलता है? तो काला ज्वर फैलता है पैरासाइट प्रोटोजोआ से। किससे? पैरासाइट प्रोटोजोआ से और बालू मक्खी की काटने से। इसमें प्रभावित होता है आपका अस्थि मज्जा और तेज बुखार इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट है काला ज्वर यानी मेनी गिफ्ट्स के पैरासाइट्स प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है लैसी मीना डोनोवानी के नाम से। ओके, नेक्स्ट है फाइलेरिया किस पैरासाइट से फैलता है? तो फाइलेरिया फैलता है नेमाटोड वार्म वायरस से। फाइलेरिया किससे फैलता है? नेमाटोड वार्म प्रोटोजोआ से, परजीवी से फैलता है प्रोटोजोआ से। तो ये ध्यान में रखिएगा, वायरस से नहीं फैलता। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, यह संक्रामक रोग नहीं है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कोलेरा यानी कि हैजा फैलने में वाहक कौन सा होता है? तो इसका वाहक होता है दूषित भोजन और पानी से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित भोजन और पानी से फैलता है, कौन? हैजा। और ये किससे फैलता है? जीवाणु से। कौन से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है? विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है हैजा। हैजा में होता क्या है? एक आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है, इसमें वोमिटिंग और दस्त आता है। नेक्स्ट है टाइफाइड यानी मोती झरा नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है पाचन तंत्र को। और टाइफाइड जो होता है इसको टाइफाइड, मियादी बुखार, मोती झरा, आंत्र ज्वर आदि आदि कहते हैं। और यह साल्मोनेला टाइफिन नामक बैक्टीरिया के से फैलता है। और जो टाइफाइड होता है इसमें आंत यानी पाचन तंत्र प्रभावित होता है, इसमें ज्वर होता है, आंतों में दुर्बलता, आंतों में छेद आदि हो जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड किससे फैलता है? तो टाइफाइड जो है, जो आंत्र ज्वर होता है, वो बैक्टीरिया से फैलता है। किस बैक्टीरिया से? नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है? तो यह फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है।
प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट, टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन सा होता है? तो टाइफाइड किससे फैलता है? भोजन और पानी से, गंदा पानी और दूषित भोजन करने से। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस रोग फैलने का वाहक कौन होता है? हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, जिसे पीलिया बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? पीलिया, और यकृत शोथ भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और यह फैलता है आपका विषाणु से, यानी कि वायरस से, और भोजन और पानी के द्वारा। किससे फैलता है? भोजन और पानी से फैलता है। और इससे प्रभावित क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। और इसमें बुखार आ जाता है, थकान होता है, वजन घटना, कमजोरी, पेट दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना, पेशाब का गहरा रंग, ये सब इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा यानी श्लेष्मा ज्वर के फैलने का वाहक कौन होता है? तो इसके फैलने का वाहक होता है वायु, क्योंकि यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका लक्षण होता है छींक, त्वचा में खराश, आंख व नाक में से द्रव बहना, भूख न लगना आदि। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी तपेदिक के फैलने का वाहक कौन होता है? तो कौन होता है? यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये वायु से फैलता है और बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। वायु में बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है कौन? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है, घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना बन जाती है? तो घाव पर जंग व धूल जम जाने पर टिटनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? टिटनेस। अब टिटनेस को धनुष टंकार रोग, लाग जा आदि नामों से जाना जाता है, जो क्लास्ट्रिडियम टिटनी बैक्टीरिया से फैलता है। और टिटनेस में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और पेशियां प्रभावित होती है, शरीर में झटका, बेहोशी इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट है, टिटनेस किससे फैलता है? तो टिटनेस फैलता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, टिटनेस के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो क्लास्ट्रिडियम टिटनी। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग कितने प्रकार में बांटा गया है? तो यह दो प्रकार का होता है, कॉन्टेजियस और इन्फेक्टियस। कॉन्टेजियस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, और इन्फेक्टियस जो है हवा, पानी, भोजन, कीट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, संक्रमण रोग को कौन से प्रकार में बांटा गया है? तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है, कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्टियस। कॉन्टेजियस के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाला रोग आते हैं, और इन्फेक्टियस के अंतर्गत हवा, पानी, जल, कीट के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है, कॉन्टेजियस यानी संसर्गज नामक बीमारियां किस वाहकों के कारण होती है? तो यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से आप कॉन्टेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो वहां पे आपका ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, इन्फेक्टियस नामक बीमारियां किन वाहकों के कारण फैलती हैं? तो यह वायु, पानी तथा भोजन एवं कीट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, एसटीडी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या नाम है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, कैनकुराइड नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? यह भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पिंता नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो यह श्वसन तंत्र की बीमारी है। नेक्स्ट है, गुनोर होज किससे फैलता है? गुनोरिया, यहाँ पे गुनोरिया होना चाहिए। गुनोरिया किससे फैलता है? यह बैक्टीरिया से फैलता है। कैसे?
बैक्टीरिया से। गोनोरिया को सुजाक भी बोला जाता है। यह नाइसेरियाई गोनोरिया बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें मूत्र मार्ग यूरेट्रा जो होता है प्रभावित होता है। लक्षण क्या होता है? मूत्र मार्ग में सूजन, आंखों में परेशानी, गले में परेशानी, जिससे पेल्विक में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है सिफिलिस किससे फैलता है? तो जो सिफिलिस होता है वह भी फैलता है बैक्टीरिया से। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। ट्रेपोनुमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है सिफिलिस, जिसमें मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है। मूत्र मार्ग में घाव इसका लक्षण है। नेक्स्ट है कैनकोराइड किससे फैलता है? कैनकोराइड किससे फैलता है? तो यह भी फैलता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है फ्लॉक्स फ्लैकेज नामक बीमारी के फैलने का कारण है। तो इसका भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी है। नेक्स्ट है प्लेग के बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस। जो प्लेग होता है वह कीट व चूहों के काटने से फैलता है। इसमें कोख और आरबीसी प्रभावित होता है, फिर ज्वर आता है। नेक्स्ट है पेचिस यानी डिसेंट्री किससे फैलता है? तो यह फैलता है पेचिस यानी डिसेंट्री किससे फैलता है? तो ये तो न तो पेचिस डिसेंट्री आपका फैलता है प्रोटोजोआ से। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। दोस्तों यहाँ पे आपका दे दिया है बैक्टीरिया, लेकिन होगा क्या? प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ से फैलता है कौन? पेचिस यानी डिसेंट्री। यह बैक्टीरिया से नहीं फैलता। और इसके परजीवी का नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें आंत प्रभावित होता है, खून के साथ दस्त आता है। नेक्स्ट है कि पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित करती है पाचन तंत्र और छोटी आंत को ज्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि डिसेंट्री यानी पेचिस का वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है भोजन तथा पानी। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो पेरिफेरल नर्व को। किसको प्रभावित करती है? पेरिफेरल नर्व को। कुष्ठ रोग यानी कि जो लेप्रोसी होता है किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। और इसको कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या कोढ़ या हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? त्वचा और तंत्रिका तंत्र म्यूकस झिल्ली मेम्ब्रेन प्रभावित होती है। इसमें गांठ बन जाती है, हाथ पैर की उंगलियों की ऊतकों का नष्ट हो जाना इसमें विशेष लक्षण होता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग किसके कारण फैलता है? तो कुष्ठ रोग फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है एचआईवी टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, ये अब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हर्पिस किससे फैलता है? तो यह फैलता है एडिनो वायरस से। अब कुछ प्रश्न है विकृतियां डिफॉर्मिटी जो शारीरिक विकृतियां होती है काइफोसिस लार्डोसिस फ्लैट फूट स्कोलियोसिस आदि से, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि हालोबैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बीच में कमर गड्ढा हो जाता है उसको हम लार्डोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकल जाती है? तो उसको बोला जाता है लार्डोसिस। पीठ अंदर की तरफ
और पेट बाहर की तरफ। नेक्स्ट है, उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ बाहर की तरफ निकल आती है। कहने का तात्पर्य पीठ का आकार गोल दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं काइफोसिस, जिसे हिंदी में कुबड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट है, राउंड बैग नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है। तो राउंड बैग नामक विकृति को काइफोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी विकृति होती है जिसमें एक कंधा झुक जाता है। कहने का तात्पर्य रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है, उस विकृति का क्या नाम, उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हैं यानी सट जाते हैं, उसको कहते हैं नाक नी यानी कि जेनु वल्गम। नेक्स्ट है, सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफी बाहर निकल जाते हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बाउ लेग यानी जेनु वरम। नेक्स्ट है, पैरों के तलवे के चपटे होने को क्या कहते हैं। तो जो पैर का तलवा आपका चपटा हो जाता है पूरा जमीन में छू जाता है उसको कहते हैं फ्लैट फुट यानी चपटा पांव। नेक्स्ट है, पेस कैवस किसे कहते हैं। तो क्ले फुट को कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैट फुट का जस्ट उल्टा होता है। फ्लैट फुट में पांव जो है समतल हो जाता है लेकिन क्ले फुट में एकदम गाय के खुर के समान एकदम त्रिकोणाकार आकृति बना लेती है कर्व जैसा, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है उसमें, उसको कहते हैं पेस कैवस या क्ले फुट। नेक्स्ट है कि पेस प्लैनिस किसे कहते हैं। तो पेस प्लैनिस बोलते हैं फ्लैट फुट को। किसको बोलते हैं, फ्लैट फुट को। आपको इसमें ध्यान देना है कि जो फ्लैट फुट है उसको प्लेस प्लेनिस कहते हैं, प्लेमिस कहते हैं, और क्ले फुट को पेस कैवस बोलते हैं। तो इसमें फंसाता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जेनु वल्गम किसे कहते हैं। तो जिसमें दोनों घुटने सट जाते हैं आपस में उसको जेनु वल्गम यानी नॉक नी बोला जाता है। नेक्स्ट है, जेनु वरम किसे कहते हैं। जिसमें दोनों घुटने ज्यादा बाहर की तरफ निकल जाते हैं उसको जेनु वरम यानी कि बाउ लेग कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।